स्वागत वंदन अभिनंदन, कैसे हैं आप लोग। फाइनली वो डेट आ गई है और सबको ये डेट पता चल गई है। जी हम बात करने वाले हैं, जो डेट है वो डेट है बजट की। और ये पता चल गया है काफी लोगों को कि सीतारमन जी इस बार फिर 23 जुलाई को वापस बजट पेश करने वाली हैं। अब इस बजट को लेके काफी लोग इंटरेस्टेड भी हैं, एक्साइटेड भी हैं। मार्केट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो खासकर मिडिल क्लास वाले हैं वो भी हैं कि यार हो सकता है हमारे लिए इस बार कुछ खास होगा। हालांकि वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बजट के सिलसिले में, ये बजट जो टैगलाइन इस समय लगातार चल रही है, इस बजट को देखते हुए कुछ ऐसी चीजें मैं आपको पहले से आगाह करना चाह रहा हूं कि ऐसी चीजें मत कर जाना जो आप लोगों ने उस समय किया था। जी हां, फ्लैशबैक में जाएंगे हम। जी हां, बात करने वाले हैं 3 जून को। और जी हां, वही 3 जून जहां पास लोगों को लगा था कि मार्केट में बहुत तेजी से हरियाली आएगी, इलेक्शन का रिजल्ट्स और जस्ट अपोजिट हुआ। तो आप समझ सकते हैं एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, एज ए स्टॉक इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर, तीन चीजें तीनों लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, अगर आप इस बार दोबारा ट्रैप में फंसे तो बहुत बहुत नुकसान हो सकता है। तो एक बार फ्लैशबैक ले जाना चाहूंगा आपको कहानी। जी हां, और वो कहानी क्या थी? ये न्यूज सबको पता है, ऑन 3 जून द स्टॉक्स मार्केट ब्रेक्स ऑल रिकॉर्ड्स एंड जून 04 द स्टॉक मार्केट गोज अंडरग्राउंड। व्हेन द एक्चुअल रिजल्ट जब आया तो पता चला लोगों का लगभग 30 लाख करोड़ तक का नुकसान हुआ है। कितना? 30 लाख करोड़ तक का नुकसान हुआ। और ये सारे जितने भी थे सर रिटेल इन्वेस्टर थे। केवल इतने ही नहीं, बहुत सारी ऐसी न्यूज आई जहां लोगों ने पहले से पोजीशन बना के रखी और ये सोच के कि यार मार्केट अच्छा खासा ऊपर उठेगा, अच्छा खासा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, प्लान किया, लेकिन हो गया पूरा उल्टा। तो प्लीज थोड़ा सा संभल के, क्योंकि इस समय चारों तरफ आपको बस एक ही खबर मिल रही है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। ये सेक्टोरियल फंड्स हैं, ये थेमेटिक फंड्स हैं, इसमें आपको पैसे लगाना है। इंपॉर्टेंट नोट कि आपको कितने पैसे लगाना है, इस बात का ध्यान बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम तीनों लोगों के बारे में बात करेंगे, खासकर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर वो गलती दोबारा करते हैं जो उस समय हुआ जब इलेक्शन का रिजल्ट आया और मार्केट, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन हमेशा अच्छी रहती है, हमें ये लगता है बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब मार्केट का रिजल्ट आया तब बिल्कुल पांसा पलट गया था, कहानी बदल गई थी। तो कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है और आपको बताना जरूरी है कि सर इलेक्शन रिजल्ट 4 जून 30 लाख करोड़ का नुकसान, इन्वेस्टर ट्रेडर्स इसमें क्या करें। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग आप लोग हो हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस समय सबसे ज्यादा क्रेज चल रहा है किसका? थेमेटिक फंड का। इनफैक्ट मैंने भी बनाया है वीडियो कि सेक्टोरियल फंड में, थेमेटिक फंड में आप निवेश कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? कितना निवेश करना और कौन कौन से थेमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना आपको जरूरी है। क्योंकि थेमेटिक फंड अभी तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पता चलेगा बजट के बाद अगर इनको एलोकेशन अच्छा से नहीं मिली, अगर सरकार के तरफ से अच्छा खासा कैपेक्स नहीं मिला, तो यही थेमेटिक फंड सिरदर्द बनने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये वही थेमेटिक फंड हैं जो 2020 के पहले इनको कोई जानता नहीं था। और काफी लोग कहते थे कि यार थेमेटिक फंड सेक्टोरियल फंड ही होते हैं ना, बरसात के क्या बोलते हैं, मेढक, बरसात के मेढक के समान होते हैं कि भाई साहब केवल साल में एक बार थोड़ा बहुत देखने को मिलेंगे। तो ये कहानी क्यों कही गई? क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आपको सजग करने के लिए कही गई, साहब पूरे पैसे आपको थेमेटिक फंड में निवेश नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ना सेक्टोरियल फंड की बात करते हो ना, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मन में आती हैं। क्या क्या? पावर की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, डिफेंस की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज आता है। और जब ये सब चीजें चलती है ना, तो ललक जाता है मन कि यार क्यों ना इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि रिटर्न भी अच्छे खासे दिखा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए लाया हूं जिसको मैं चाहता हूं कि आप फॉलो करो, अप्लाई करो। क्योंकि इस समय केवल हर जगह न्यूज यही चल रही है कि यार बजट आ गया है, बजट आने वाला है, 23 जुलाई को बजट आने वाला है, इसके पहले इसमें निवेश कर दो, पैसे डबल हो जाएंगे, पैसे 4 गुना हो जाएंगे, म्यूचुअल फंड अच्छे कर दो, पैसे रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कितने पैसे निवेश करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। काफी लोग गलती कर रहे हैं। सबसे पहले, डोंट इन्वेस्ट ऑल अमाउंट इन सेक्टोरियल फंड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2020 के पहले यही सेक्टोरियल फंड देखने को नहीं मिलते थे।
कहां थे कुछ नहीं पता था। 2020 के बाद अचानक से ये सेक्टोरियल फंड अच्छे, तो यहां डरने की ये भी बात नहीं है कि सेक्टोरियल फंड में निवेश नहीं करना। आप बोलोगे सर कुछ दिन पहले आपने वीडियो बनाया था कि सेक्टोरियल में नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कितना करना चाहिए इंपॉर्टेंट ये बात है। और अगर आप सेक्टोरियल फंड ले रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो ये सबसे जरूरी बात है। अब पहला पॉइंट आप समझ गए, दूसरा पॉइंट क्या था, तो कभी इंफ्रा, अब लोग क्या होते हैं ना, आजकल जब सेक्टोरियल की बात आ गई, पता चला लोग इंफ्रा वाला फंड ले लिए, पता चला लोग पावर वाला भी फंड ले लिए। ध्यान ना, आपका पोर्टफोलियो चेक करो, काफी लोग मेरे पास पोर्टफोलियो के लिए भेजते हो तो आप लोग अपनी राय भी देते हो कि सर मेरे पास ना 4-5 ऐसे दे दो। अब इसमें गलती क्या होती है कि इंफ्रा, पावर, डिफेंस, एनर्जी, आपने सब कुछ ले लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं यार। अगर यहां कुछ गलतियां होती, अगर यहां इस सेक्टर को प्रॉपर एलोकेशन, प्रॉपर कैपेक्स सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा, तो सर ये आपके लिए पक्का सिरदर्द बनने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए आप अगर कर रहे हो तो मैं यही कहूंगा कि यार इसमें से कोई एक या दो चुनो ना, 4-5 चुनने करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। और लोग क्या कर रहे हैं इस समय, सारे सेक्टोरियल फंड ले रहे हैं और मिड कैप, लार्ज कैप, इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप छोड़ रहे हैं, जो गलती है। पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है, जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, राइट। बाकी अगर पोर्टफोलियो आपको बनवाना हो तो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे भेज सकते हो, राइट। सो तीसरा इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू इन्वेस्ट 10-20%, जो मैंने आपको बताया कि लगभग 10-20% आपको निवेश करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 23 जुलाई बजट का दिन, और उसके पहले अगर मार्केट में करेक्शन आएगी, सबसे पहले लोग भागेंगे, दौड़ेंगे, किस लिए, साहब सेक्टोरियल फंड में पैसा डाल दो, पैसा डबल होने वाला है। बिल्कुल गलत, ध्यान रखना ये चीज बिल्कुल मत करना, क्योंकि सेम कहानी लोगों ने 3 जून को की। अब 3 जून को कैसी कहानी हुई, पासा पलटा, लोगों ने बहुत पैसे गवाए। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा आपके साथ दोबारा हो, बहुत ही सोच समझ के सेक्टोरियल फंड अपने पोर्टफोलियो में डालना है, कि भाई साहब 10-20% से ज्यादा आपको नहीं होना चाहिए। आप अगर लमसम भी कर रहे हो तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा कि बल्क लमसम, बल्क इन्वेस्टमेंट से आपको थोड़ा सा बचना है, खासकर 23 जुलाई के पहले 19-20-21-22 मार्केट में करेक्शन आ सकती है, मार्केट सेंटिमेंट ऐसा कह रहा है। अगर ऐसा आता है तो प्लीज बल्क इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के करना, बस इतना ही कहूंगा। तो ये म्यूचुअल फंड वालों के लिए। अब बोलोगे सर शेयर मार्केट, क्योंकि काफी लोग शेयर मार्केट में भी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप अभी तक चैनल पे हो, अब वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो फटाक से, क्योंकि इसके बाद हम आने वाले हैं ट्रेडर्स, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, खासकर रिटेल इन्वेस्टर। मैं यही कहूंगा कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर मार्केट में, हमेशा कोशिश करो आपका जो एलोकेशन होना चाहिए वेल डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार बात कर रही है पावर पे, एनर्जी पे बात कर रही है, डिफेंस पे बात कर रही है, रेलवे की बात कर रही है, और अभी मार्केट को देखते हुए थोड़े से सारे स्टॉक्स भी हल्का हल्का मूवमेंट किए जा रहे हैं, तो लोगों के मन में लालच, यहां वो इन्वेस्टर जाग जाते हैं जो ये सोचते हैं कि यार अब ना चलती ट्रेन में हमें चढ़ जाना है ताकि हमें पैसा बनाना है। यही गलती होती है, और इसी गलती में क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक्स जो ऑलरेडी अपने हाई पे हैं, लोग यहां पास खरीद देते हैं, फिर साल भर रोते हैं कि यार मैंने यहां खरीदा। सर आपकी टाइमिंग गलत थी, आपने लालच में आके खरीदा, आपने तब खरीदा जब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई था। तो इन चीजों को आपको समझना है, देखना है, इसके बाद निवेश करना है। तो बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर हैं जिसको आपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए बोलूंगा आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, कंजप्शन सेक्टर, ये 2-3-4 ऐसे सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, 2-3-4 ऐसे सेक्टर हैं जो सरकार के नजर उतनी ज्यादा नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर सरकार 80-90% अलग सेक्टर पे कर रही, तो ये 10-20% सेक्टर है, इस पे भी थोड़े बहुत स्टॉक आपके पास होने चाहिए, राइट। सो ये पहली बात। सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट, लोग ना बोलते हैं भैया सर 5 रुपए वाला स्टॉक बता दो यार, और कहीं अगर देख लिया ना वीडियो में 5 रुपए वाले स्टॉक निवेश करो, और बजट के बाद होने वाले हैं 10 करोड़। भाई साहब लोग लाखों रुपए नुकसान कर रहे हैं उसमें, मतलब 5 रुपए वाला स्टॉक अभी तक कोई नहीं जानता था, लेकिन अचानक से पता चला कि भाई लोगों ने थंबनेल पे डाल देते हैं 5 रुपए का स्टॉक, और ये जैसे ही आप इसको लोगे बजट के बाद बनने वाला है, ये बिल्कुल बनेगा, 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। भाई साहब 5 रुपए का स्टॉक अभी तक कोई देख नहीं पाता था, आपने अचानक से ऐसा क्या किया?
ऐसे ट्रैप से बचो। पेनी स्टॉक ले रहे हो, फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैं अपने लाइव क्लासेस में ही बोलता हूं कि सर फंडामेंटल आप अगर नहीं देखोगे, बिजनेस अगर नहीं देखोगे, नुकसान कर बैठोगे, चाहे पेनी स्टॉक हो चाहे कोई मल्टीबैगर स्टॉक हो। इंपॉर्टेंट बात, तो इन चीजों से बचो। अगर आप ले रहे हो समझो, देखो कंपनी का क्या फंडामेंटल है और कंपनी का कितने प्रमोटर्स हैं, इंपॉर्टेंट बिजनेस है वो चीज है, ठीक है। अब ये स्टॉक सब्जेक्ट के पहले ले लो, हो जाएगा 10 गुना पावर इंफ्रा। तो पावर इंफ्रा के नाम पे अगर ऐसे स्टॉक हो सकता है उसमें से बहुत सही भी होंगे, गलत मैं नहीं बोलूंगा, गलत नहीं, बहुत सारे सही होंगे, लेकिन थोड़ा अपनी समझदारी विवेक यूज करना है कि यार ऐसे कौन से स्टॉक है जो आज तक नहीं देखते थे, अचानक से पता चल रहा है कि यार 10-20 रुपए का है और लोग कह रहे हैं कि 1,000, 2,000, 3,000 खरीद लो और बजट के बाद बनने वाले हैं। तो याद करो लोगों की भविष्यवाणी, इलेक्शन रिजल्ट के पहले कुछ ऐसे भविष्यवाणी हुआ करती थी यार ये ले लो वो ले लो बन जाएंगे 10 गुना, और जैसे हुआ तो टाई टाई फिस हुआ। तो ये कहानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। हो सकता है कि जिस सेक्टर को लेकर आप बहुत खुश हो कि बहुत सरकार बहुत पैसे देने वाली, पता चला उस सेक्टर को पैसे ही ना मिले, तो आपके स्टॉक आपके म्यूचुअल फंड वहीं अटक के रह जाएंगे। इसीलिए पोर्टफोलियो बहुत ही नॉर्मल काम नहीं है बनाना, जो आप लोग के लिए मैं हमेशा बनाता हूं, तो बहुत से मेहनत लगती है, बहुत एनालिटिकल थिंकिंग लगती है, तो बहुत ध्यान से अगर आप खुद भी बना रहे हो तो बहुत ध्यान से समझ के बनाओ, ठीक है। चलो हम बात कर लिए, समझ आ गया होगा लोगों को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट डू बल्क बाइंग बिफोर 23rd जुलाई, मतलब अगर आप 23 जुलाई के पहले मार्केट में करेक्शन आता है, जैसे म्यूचुअल फंड के लिए मैंने बताया, स्टॉक को लेकर प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करना। कोई भी स्टॉक 10, 20, 50, 60, 100 रुपए का हो, बल्क बाइंग नहीं करना है, खासकर 20, 21, 22। ये जो डेट ऐसी है ना, ये डेट को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है इस डेट को लेके। तो फंडामेंटल वाले अच्छे स्टॉक्स ही लेना, यही मेरी गुजारिश है, ये मेरी विनती है आपसे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी हाँ, ट्रेडर्स। अब सर ट्रेडर को लेके तो बहुत सारी कहानियां बनाई गई, 30 लाख करोड़ का नुकसान मैक्सिमम ट्रेडर्स ने किया, और लोगों ने पता है कौन सी टेक्निक यूज की सर, BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। BTST ट्रेडर्स में होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो आप लोग करते हैं उनको पता होता होगा कि लोग पहले से प्लान कर लेते हैं कि कल मार्केट क्या होगा। अगर मार्केट कल प्रेडिक्शन लग रही है कि मार्केट कल उठेगा, डेफिनेटली लोग कॉल ऑप्शन ज्यादा सेलेक्ट करते हैं, और जो गैप अप में मार्केट उठता है लोग वहीं पैसा बनाते हैं। तो ध्यान रखना, खासकर ट्रेडर्स, अगर आप BTST यूज कर रहे हो तो प्लीज बहुत ही सोच समझ के यूज करना, और 4 जून की कहानी जो आपके साथ हुई है उसके थोड़ा सा समझना, उसको देखना, और अपनी पोजीशंस देख लेना कि अपनी पोजीशंस आप काट पा रहे हो कि नहीं काट पा रहे हो, पोजीशंस आपकी कॉल है पुट है, ये सब एनालिटिकल पूरा थिंकिंग के हिसाब से करना, क्योंकि काफी लोग कॉल भी ले सकते हैं पुट भी ले सकते हैं, ये सारा चीज हो सकता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को ध्यान रखो। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, आपका कैपिटल, आपका कैपिटल बचा रहेगा तो आप मार्केट में बचे रहोगे, कैपिटल लॉस आप लॉस, मतलब आपके कैपिटल अगर लॉस ही हो गया तो यार कॉन्फिडेंस चला जाएगा अंदर से यार कि मैं इतना पैसा लेके आया था, पैसा माइनस में गया, पैसा लॉस हो गया, मैं दोबारा मार्केट में एंट्री नहीं करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सारे लोग बात कर रहे हैं, पता है क्या बात कर रहे हैं सारे लोग, सर बजट आने वाला है, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, लेकिन क्या नहीं करना है ये बहुत कम लोग बताएंगे आपको। तो ये चीजें हैं जो आपको एक बहुत बड़े स्कैम से बचा सकती हैं, तो बहुत ध्यान से करो, अच्छे से करो, और अपने कैपिटल की हमेशा सुरक्षा करो, राइट। बाकी मिलते हैं स्टूडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।